हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ सिक्स क्लास. चैप्टर नेम इज़ फूड. वेयर डज इट कम फ्रॉम? लेट्स कंटिन्यू रीडिंग अबाउट दिस. वी हैव डिस्कस दैट वेरियस फूड इंग्रेडिएंट्स वी गेट फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिविटी 5 एंड नेक्स्ट टॉपिक्स. उससे पहले यहाँ पर उन्होंने एक नोटिस दिया है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल. कभी भी अननोन प्लांट्स जिनके बारे में आपको नहीं पता, उन्हें देखते ही उन्हें टेस्ट नहीं करना चाहिए. ऐसे पौधे पॉइजनस भी हो सकते हैं. नाउ एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना. मूंग दाल के कुछ सीड्स या फिर चने के कुछ सीड्स लो. पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर. इन सीड्स को एक पानी से भरे कंटेनर में जब हम ऐड करेंगे, एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और एक डे के लिए उन्हें साइड में छोड़ देंगे. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली. अगले दिन पानी को उसमें से निकाल दो. एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और उन सीड्स को ही सिर्फ उस वेसल में रहने दो. देन रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. उसके बाद जो वो गीले सीड्स हैं उनको एक गीले कपड़े में बांध कर रख देंगे. द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स. तो उस कपड़े में बांधने के बाद क्या आपको सीड्स में कोई चेंज नज़र आएगा? ऐसा करने से जो भी वो मूंग दाल के सीड्स हैं या चने के सीड्स हैं वो अंकुरित हो जाते हैं. और हमें चेंज क्या नज़र आता है? ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव गॉन आउट ऑफ द सीड्स. हर एक सीड के बाहर से हमें एक वाइट स्ट्रक्चर सी नज़र आने लगती है. इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड. अगर वो सीड्स अंकुरित हुए होंगे तो हमें वो वाइट स्ट्रक्चर नज़र आएगी. इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, अगर हम उनको पानी में ना भिगोएं, पानी से ना धोएं, और ऐसा किए बिना ही अगर हम उनको कपड़े में बांध कर रखते हैं, तो क्या हमें कोई चेंज नज़र आएगा? नो, तब हमें कोई चेंज नज़र नहीं आने वाला. After washing these sprouted seeds, इन अंकुरित बीजों से, इन अंकुरित दानों से, दानों को हम खा सकते हैं. इनको हम boil भी कर सकते हैं, और after boiling इसमें कुछ मसाले spices add करके हमारे लिए ये eating के लिए एक अच्छा snack ready हो सकता है. Next, do you know where honey comes from? क्या आप जानते हैं कि शहद हमें कहाँ से मिलता है, और how does it is produced, और यह कैसे बनता है? Have you seen a beehive where so many bees kept buzzing out? क्या यहाँ पे beehive का means एक छत्ता, मधुमक्खियों का एक छत्ता जिसके अराउंड बहुत सारी मक्खियाँ जो बीज हैं वो बस उनके अराउंड घूम रही होती हैं. बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. जो बीज हैं वो फ्लावर्स से, नेक्टर मीन्स एक टाइप का रस जो होता है फूलों का, स्वीट जूस, वो कलेक्ट करती हैं और उनको किसी एक जगह पर लाकर हनी की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देती हैं. एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उनको अपने छत्ते में स्टोर करके रख लेती हैं. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर. लेकिन फ्लावर्स में हर टाइम वो स्वीट जूस अवेलेबल नहीं होता. इनका कुछ एक सीज़न होता है, कुछ एक ड्यूरेशन होती है टाइमिंग की. सिर्फ उसी टाइम में बीज को उनमें से नेक्टर मिल पाता है. सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर. तो इसीलिए जो बीज हैं वो अपना इस नेक्टर को पूरे वर्ष के लिए स्टोर करके रखती हैं. व्हेन वी फाइंड सच अ बीहीव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी. जब भी हमें एक बीहीव देखने को मिलता है, एक छत्ता देखने को मिलता है, तो हम वहाँ से उनके फूड स्टोर जो उन्होंने किया होता है उसको हम हनी की फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज 1.5, व्हाट डू एनिमल ईट. अब तक हमने जो बात करी वो ह्यूमन फूड के बारे में थी, ह्यूमन इंग्रेडिएंट्स के बारे में थी. अब हम एनिमल्स के भोजन की बात करेंगे. डू यू हैव कैटल, अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ. क्या आपके पास कोई एक पशु या फिर कोई भी एक जानवर ऐसा है जिसकी आप केयर करते हो? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉड. एक डॉग, एक गाय, गॉड, एक बकरी या फिर एक बफेलो, कोई भी ऐसा आपके घर पे एनिमल जिसकी आप केयर कर रहे हैं. You will then surely be aware of the food. अगर ऐसा है तो आपको उनके भोजन के बारे में अच्छे से पता होगा.
वट अबाउट अदर एनिमल्स? लेकिन जो अदर एनिमल्स हैं, जो पेट एनिमल्स नहीं होते, जिनको लोग घरों में नहीं पालते, उनके भोजन के बारे में क्या विचार है? हैव यू एवर ऑब्जर्व बट अ स्क्वल पीजन लीजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड? जो लीजर्ड है, चिड़िया है या फिर अदर जो इंसेक्ट्स हैं, वो अपने भोजन के रूप में क्या खाते हैं? एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। बफेलो का फूड क्या होता है? ग्रास, घास, ग्रेन्स, दालें, ऑयल केक, हे। ऑयल केक मीन्स खल, जैसे घास फूस, ये सब बफेलो का फूड होता है। इसी तरह से कैट का स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवर, बर्ड्स और दूध। इस तरह से हम बाकी एनिमल्स के फूड आइटम्स के बारे में भी सर्च करके इस टेबल को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलो। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग अगर हम ग्रुप्स बना लें, पहले ग्रुप में सिर्फ उन प्लांट्स को, उन एनिमल्स को रखें जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, मतलब जो शाकाहारी भोजन खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। वो हो गए फर्स्ट ग्रुप के एनिमल्स। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम सेकेंड ग्रुप में रखेंगे। और ऐसे एनिमल्स को कार्निवोर्स बोला जाता है, मांसाहारी। Do you find some animals which eat both plants and animals? हमें ऐसे animals भी देखने को मिल सकते हैं जो plants भी खाते हैं और animals भी खाते हैं। ऐसे animals को हम group 3 में रखेंगे और उनको omnivores कहा जाता है। Place a table in table 1.6 and enter this separately in 3 columns. तो 3 columns में हम herbivores, carnivores और omnivores, ऐसे कुछ animals की examples mention कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल काओ, काओ इज़ अ हर्बीवोर, वो सिर्फ प्लांट्स का पार्ट खाती है। लॉयन इज़ अ कार्निवोर, वो हमेशा नॉन वेज किसी अदर एनिमल को ही खाता है। और डॉग दोनों को, वो ओमनिवोर्स है, एनिमल्स भी खा सकता है और प्लांट्स का पार्ट भी। नाउ पहेली वांट टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स को हम टेबल्स में, टेबल में कहाँ पर रखेंगे? ह्यूमन बींग्स का भी सेम है, कुछ ह्यूमन बींग्स हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स एंड कुछ ओमनिवोर्स। नेक्स्ट, वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशेंट फूड। हम में से, ह्यूमन जाति में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको खाने के लिए सफिशेंट भोजन नहीं मिलता। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो हमें अलग अलग, हम ऐसे अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, हमें तरीकों की आवश्यकता है जिनसे, जिन तरीकों से हम कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्राप्त कर सकें। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ एस। तो हम सब चाहते हैं कि जो फूड है वो हर एक इंसान तक इजिली अवेलेबल हो। कीवर्ड्स, इस चैप्टर के कीवर्ड्स क्या थे? इंग्रेडिएंट्स, भोजन सामग्री, एडिबल ऑयल मीन्स जो रिफाइंड ऑयल होता है, नेक्टर, नेक्टर इज़ अ जूस विच कैन बी गॉट फ्रॉम फ्लावर्स बाय बीज, स्प्राउटेड सीड्स मीन्स अंकुरित बीज या दाने, हर्बीवोर, शाकाहारी, कार्निवोर, मांसाहारी, ओमनिवोर, जो दोनों ही होते हैं। समरी क्या है?